आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का परिवार हर तरफ से घिर चुका है। लालू के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई केस दर्ज कर चुकी है, तो वहीं दिल्ली में लालू की बेटी और दामाद के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापा मारा। ईडी की टीम लालू के दामाद शैलेश को अपने साथ लेकर गई। इसी बीच बिहार के सियासी गलियारे में तेजस्वी को हटाने की मांग तेज हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नीतीश तेजस्वी को हटाएंगे, तेजस्वी का क्या होगा। नीतीश चुप है, लेकिन उन्हें भी पता है कि वो इस मामले में ज्यादा वक्त तक मौन नहीं रह सकते, उन्हें फैसला लेना ही होगा। सवाल ये कि तेजस्वी का क्या होगा, क्या वो इस्तीफा देंगे। जवाब है नहीं। दरअसल लालू सोमवार को ही इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। लालू ने ये कहकर बेटे का बचाव किया कि ये मामला तब का है जब तेजस्वी यादव नाबालिग थे। इस्तीफा नहीं देंगे तेजस्वी यादव, लालू। लालू ने साफ कह दिया है कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। अब नीतीश के पास एक ही विकल्प है, वो है तेजस्वी को बर्खास्त करने का। नीतीश चाहे तो अभी या चार्जशीट दाखिल होने के बाद तेजस्वी को बर्खास्त कर सकते हैं। पहले भी ऐसी नजीर पेश कर चुके हैं नीतीश। साफ सुथरी सरकार चलाने का दावा करने वाले सुशासन बाबू नीतीश पहले ऐसी नजीर पेश कर चुके हैं। 2005 में अपनी पहली सरकार के वक्त उन्होंने भ्रष्टाचार के केस में चार्जशीट के बाद मंत्री जीतन राम मांझी से इस्तीफा ले लिया था। इसी तरह नीतीश ने मंत्री रामानंद सिंह और रामाधार सिंह की भी छुट्टी कर दी थी। रामाधार नीतीश की दूसरी सरकार में बीजेपी के कोटे से मंत्री थे। चार्जशीट दाखिल होने तक कुर्सी पर बने रह सकते हैं तेजस्वी। नीतीश की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के फंसे मंत्रियों पर कार्रवाई के नीतीश के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए यही लगता है कि तेजस्वी ज्यादा से ज्यादा चार्जशीट दाखिल होने तक कुर्सी पर बने रह सकते हैं। एक बार चार्जशीट दाखिल हो गई, तो फिर उन्हें नीतीश बर्खास्त कर सकते हैं। तो क्या शुरू हो चुकी है तेजस्वी यादव की उल्टी गिनती। जानकारों के मुताबिक ये वक्त ज्यादा लंबा नहीं खिंचने वाला, क्योंकि सीबीआई का काम करने का तरीका ऐसा है कि वो एफआईआर दर्ज करने से पहले चार्जशीट के लायक सबूत जुटा लेती है। मतलब ये कि तेजस्वी यादव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब फैसला नीतीश कुमार के हाथ में है। वो धर्म संकट में जरूर है, लेकिन साफ सुथरी छवि को बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ कठोर फैसले जरूर उठाने होंगे। हो सकता है कि कठोर फैसलों के चलते गठबंधन मुश्किल में आ जाए और दरार खाई का रूप ले ले। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।